भ्रष्टाचार मिटाओ, अधिकार दिलाओ, ये एक संस्था ऐसी है जो लॉकडाउन के अंदर जो लोग थे उनको खाना वितरित किया और उनकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज इन्होंने इस ऑफिस का उद्घाटन किया और यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है वो भी पहुंचे और उन्होंने रिबन काट के इसका उद्घाटन किया है। यहाँ संस्थापक है और यहाँ जो टीम है इन्हीं से बात करते हैं। सर, किस किस तरह का काम कर रहे थे पिछले लॉकडाउन में? भी सड़कों पर आप दिखाई दिए लोगों को खाना खिलाते हुए और अब आज ऑफिस खोला गया, मुख्य उद्देश्य क्या था? सर, उद्देश्य ये नहीं है, ऑफिस खोलने का मेन रोल ये था कि पब्लिक को पता लग सके कि अगर किसी कोई हमसे मिलना चाहता है तो उसको एक पता लग सके कहाँ मिलेंगे हम, तो ऑफिस का तो मेन रीज़न यही था। बाकी काम तो हम कई सालों से करते ही आ रहे हैं जो के थ्रू अपनी। क्या समस्याएं लोगों की आती हैं ज़्यादातर देखने में? सर, झांगीपुरी जैसे एरिए में लोगों को खाली नाली और पानी की समस्या, हदमार के पेंशन की दिक्कत होती है, तो वो सब समाधान हम लोग कराते हैं विधायक जी के द्वारा। आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, संस्था भी चला रहे हैं, तो लोगों की समस्या का समाधान कैसे? सर, आम आदमी पार्टी से जुड़ने का फायदा है, विधायक भी हमारा है और पार्षद जी भी हमारे हैं, तो फायदा हमें मिलता ही है, सारे काम हमारे आसानी से हो जाते हैं। अगर लॉकडाउन जब लगा था, लॉकडाउन के दौरान आपकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है वो लोग आपको ढूंढ रहे हों, क्योंकि आपने उनकी सेवा भी की थी, आपके घर तक आते हों राशन लेने के लिए, तो आपने एक सुनिश्चित जगह बना ली हो? बिल्कुल ऐसा ही था, लॉकडाउन में लोगों को पता नहीं था, हम गलियों में घूमते थे तो लोग बताते थे कि ये समस्या है, तो लोगों को हमसे मिल नहीं पा रहे थे, संपर्क नहीं कर पा रहे थे, तो इस चक्कर में ऑफिस खोलना पड़ा। उनके जो साथ में है उनसे ही बात करते हैं। सर, ऑफिस खुलने से कितना बेनिफिट होगा लोगों? सर, ऑफिस खुलने से लोगों को एक मंच मिल जाता है, लोगों को कहीं भटकना नहीं होता। अब क्या है, पब्लिक को कोई दिक्कत है कहीं पर ढूंढेंगे उनका नाम एड्रेस लेके, इससे अच्छा उनको एक ऑफिस, एक स्थान मिल गया जहाँ पे आके वो अपनी समस्या बता सकते हैं। टांगीपुरी है, समस्याओं का अंबार है, कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं कि समाधान नहीं होता, क्या उनका पत्राचार मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार तक करना हो तो कर सकते हैं? सभी तरह के समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, अगर कुछ मुख्यमंत्री के माध्यम से होगा तो मुख्यमंत्री के जी को भी किया जाएगा, अगर प्रधानमंत्री का तो प्रधानमंत्री को, और अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो अनशन करके, विरोध करके, जनता के लिए जो होगा वो करने की व्यवस्था की जाएगी। इस संस्था के माध्यम से आपने अभी तक कितने काम किए? देखिए, संस्था से मैं बहुत लंबे समय से नहीं जुड़ा हूँ, मैं विनीत भाई को तकरीबन 10 साल से 20 साल से जानता हूँ। इस संस्था का निर्माण इनके स्वर्गीय पिताजी श्री महेश कुमार गौतम जी ने किया था, जो कि पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, और मैंने भी कई बार देखा है कि वो भी और ये भी, जब से इन्होंने इस संस्था को संभाला है तकरीबन बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि जो करप्शन से संबंधित है, और बहुत सारे केसों पर इन्होंने लगाम लगाई है, करप्शन पर बहुत बड़ी लगाम लगाई है। ऑफिस कार्यालय जो इन्होंने खोला गया है, इस कार्यालय का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए, सामाजिक बुराइयाँ एक लड़ाई हैं, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए एक बैटल ग्राउंड की हमेशा आवश्यकता होती है, एक स्थान इस प्रकार का होना हमेशा चाहिए, ये युद्ध स्थल, कि जिससे हम सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकें। लोगों को पता होगा कि भाई मेरी समस्या यहाँ पहुँचने से हल हो जाती है, तो लोग इन तक संपर्क करेंगे और ये संस्था उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी शिकायत होगी उनकी उससे निजात दिलाएगी, जो इनका स्पेशल मकसद है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ विनीत भाई को, इन्होंने इस प्रकार की पहल यहाँ पर करी, एक ऐसा कार्यालय बनाने जा रहे हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को, आज देख रहे हैं छोटी चीज़ें बनाने के लिए कई बार बहुत सारे लोग होते हैं छोटी मोटी रिश्वत फलाना ढिमका, तो ऐसी चीज़ों को रोक लगाने के लिए इन्होंने ये शुरुआत की है, मैं इनको धन्यवाद करना चाहूँगा इसके। ये संस्थापक जो संस्था के साथ में पदाधिकारी थे वो थे, अब यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्या कहना है इनका? सर, यहाँ ये संस्था ने ऑफिस खोला है, किस तरह का काम कर रही है संस्था? बिल्कुल सही प्रकार का काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल इन्होंने काम करने के लिए अपने ऑफिस के लिए इन्होंने इनसे मिलने के लिए इन्होंने अपना ऑफिस बनाया है, ताकि इनसे मिला जा सके। वैसे कोई काम करते हैं लेकिन इनसे कोई मिल नहीं पाता था, इसलिए मिलने के लिए इन्होंने अपने लिए ऑफिस बनाया है। आप यहाँ पर रहते हैं कितने दिनों से इनके साथ जुड़े? कम से कम हो गए 25-30 साल से, तो ज़्यादा ही हो गई है, और इसमें अच्छा काम किया है और अच्छा काम कर रहा है, ऐसी कोई उसमें वो नहीं है दिक्कत। ये जो संस्था है, एक लोगों की जो समस्या होती है समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक ऑफिस का कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर किया है, साथ ही विधायक थे संजीव झा, उन्होंने इसका रिबन काट के उद्घाटन किया। आप देखने वाली बात होगी, ये संस्था जिस तरह इन्होंने अपना नाम रखा है, भ्रष्टाचार को किस तरह खत्म कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। मनसी मेमन डबल।